ओके स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट पेजेस ऑन ब्लॉग. सो आई यूज माय अनदर अकाउंट. ओके ओके स्टूडेंट्स, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, लेआउट्स के बारे में बताया था, ठीक है, सेटिंग्स के बारे में बताया था, पेजेस के बारे में भी आपको हिंट दी थी. तो आज मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगी कि पेजेस जो है ज्यादातर मोस्टली जो है ना, हम अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ऐसे टैग्स या ऐसे पेजेस बनाने हो उसके अबाउट अस में हम अपने मुतालिक के अपनी पेज क्यों जो है या एक ब्लॉग क्यों क्रिएट किया अपने मुतालिक लिखते हैं, ठीक है. और कॉन्टेक्ट में अगर किसी ने हमसे कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, उससे हमने पेजेस बनाने हैं. अब देखिए जरा, मैं आपको अपना ब्लॉग दिखाती हूँ, ठीक है. ये मेरा ब्लॉग है, ये देखिए. यहाँ पे अभी सिर्फ होम का जो है आपको टैग नजर आ रहा है, होम का. तो जब होम, ये होम पे ही है, ये यहाँ पे मेरी एक जो है वो फिलहाल पब्लिश हुई हुई है पोस्ट, ठीक है, ब्लॉगिंग जर्नी की 26 जून में, ठीक है. अब अगर हमने पेजेस को यूज करना है कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम जो है एक पेज न्यू क्रिएट करें, ठीक है. स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से समझिएगा, ये इंटरेस्टिंग है आप लोगों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर अबाउट अस लिखती हूँ, ठीक है, अबाउट अस में जो है वो मैं अपना मेन अबाउट अस में, अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ तो मैं जल्दी में कुछ भी टाइप कर दूंगी, लेकिन आपने जो टाइप करना है वो अपने मुतालिक टाइप करना है, ठीक है. मतलब आपने ये ब्लॉग क्यों क्रिएट किया, आपने क्या किया, अगर आप उसमें कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है. मतलब फॉर एग्जांपल, इसको मैंने क्रिएट कर दिया और यहाँ से पब्लिश कर दिया, ठीक है. ये मैंने अबाउट अस का पेज बनाया. अब देखिए जरा, ये मैंने पब्लिश कर दिया, तो देखिए मेरे ब्लॉग में ये व्यू आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है. आपको यहाँ नजर, आप ये देखें, अब आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमने कहाँ पे बनाया पेज, यहाँ शो नहीं हो रहा. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपने जो है लेआउट पे जाना है आपने, ठीक है. तो ये देखिए साइड बार जो है राइट में, यहाँ पे पेजेस का शो हो रहा है कि पेज, ये आपने एडिट करना है. और यहाँ देखिए, हमने अभी एक पेज क्रिएट किया था अबाउट अस के, आप क्या करें, इसको टिक कर दें और इसको सेव कर दें, ठीक है. अब अपना व्यू जो है, अपने ब्लॉग का व्यू चेक करें. नाउ यहाँ देखें, अब होम के साथ क्या आ रहा है, अबाउट अस. जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगी तो मेरा जो ये अबाउट अस में ये लिखा आ रहा है जो मैंने अभी लिखा है, और मैंने आपको गाइड भी कर दिया अबाउट अस में आपने लिखना क्या है, ठीक है. इज देयर एनी क्वेश्चन, यू कैन टाइप. स्टूडेंट, यू वॉन्ट टू आस्क एनी क्वेश्चन? नो. ओके, अब हम दोबारा अपने जो है ब्लॉग पे जाएंगे. अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि कॉन्टेक्ट टेस्ट के बारे में हमने क्या करना है, ठीक है. पहले मैं आपको ये सारा गाइड कर देती हूँ, फिर आपके क्वेश्चंस जो है ना वो पूछूंगी. अच्छा, यहाँ मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट, ठीक है. अभी मैंने इसको जो है सेव कर दिया, ठीक है. अब मैं इसको कैसे, क्या हमें जरूरत है इसके लिए, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखे, ये गूगल ऐप, ये जो आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करना है,
ठीक है अपनी ड्राइव पे जाना है। ये ड्राइव में एक बहुत ही अच्छा जो है ना ऑप्शन है, यहाँ पे फॉर्म्स जो हैं वो टेम्पलेट्स क्रिएट पहले से ही होते हैं, वो हम यूज कर सकते हैं या बना के जो है अपने पेज पे वो लिंक शेयर कर सकते हैं। तो आपको मैं दिखाती हूँ कि एक्चुअली कॉन्टेक्ट अस में क्या कर लिखते हैं। ये देखिए गूगल फॉर्म्स ऐप यहाँ नजर आ रहा है, मोर ऑप्शन में गूगल फॉर्म्स। तो यहाँ पे देखिए दो फॉर्म्स है, एक ब्लैंक फॉर्म जो आप अपने तरीके से बनाना चाहते हैं, एक है फॉर्म फ्रॉम अ टेम्पलेट जो आप टेम्पलेट से लेना चाहते हैं। तो अगर आप कोई टेम्पलेट से लेना चाहते हैं वो बिल्कुल तैयार होते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ बने हुए हैं। तो हमने क्या लेना है, अगर हम ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन से भरा टेम्पलेट हम ये चाहिए क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट पेज में ये सब शो करवाना है। ठीक है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये देखिए स्टूडेंट्स आपके सामने ये आ गया। अब आप इसको अपने मुताबिक जो है चेंजेस इसमें ला सकते हैं। आप कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन को जो है चेंज इसका इन्फॉर्मेशन की जगह आप अस भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अब ये नीचे उन्होंने देखे आपका ये बिल्कुल फॉर्म आपका जो है ना तैयार है। ये नेम में ये देखे, अगर मैं नेम में क्लिक करूं तो क्या होता है, ये देखें मुझे चाहिए यूजर का नेम। ठीक है, और शॉर्ट शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, अगर आप ये देखें ये अगर आप ये रिक्वायर्ड का बटन आपको नजर आ रहा है, ठीक है ये रिक्वायर्ड है, जब फॉर्म फिल होगा तो ये कंपलसरी है जो फॉर्म फिल करे उसने ये नेम जरूर एंटर करना है। ठीक है, इसके साथ अगर ये ईमेल है, ईमेल को जब आप क्लिक करें तो वो ईमेल भी टाइप कर सके। ठीक है, ये भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। एड्रेस मैं रिक्वायर्ड नहीं करना चाहती तो चले मैं इसको डिलीट कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आप अपने मुताबिक से चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, मैं ईमेल चाहती हूँ, हाँ जी मुझे ईमेल चाहिए। फोन नंबर जो है मैं वो कह देती हूँ रिक्वायर्ड, वो रिक्वायर्ड ऑफ कर देती हूँ कि ज्यादा जो है वो रिक्वायर्ड ना, जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बगैर भी फॉर्म सबमिट हो जाए। ये कमेंट्स की जगह आप यहाँ मैसेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, मैंने मैसेजेस लिख दिया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये फुल हमारा जो कॉन्टेक्ट अस का ये जो हमने टेम्पलेट था, ये पेज जो था वो हमने यहाँ से बिल्कुल रेडी कर लिया है। आप ये देखें यहाँ इसका जो है प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कि जब ये प्रीव्यू आएगा तो ये देखिए रिक्वायर्ड नेम आप एंटर करेंगे, ईमेल एंटर करेंगे। ठीक है, इसको फिर सबमिट करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये तो हो गया ना प्रीव्यू, मैंने आपको दिखाया ये कैसा है। अब अगर आपने इसको अपने पेज पे ब्लॉग के पेज पे लेके जाना है तो कैसे करेंगे, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सेंड की ऑप्शन है, गौर से समझिएगा कॉन्टेक्ट अस की। ये देखिए यहाँ पे सेंड की ऑप्शन है, मैंने इसको क्लिक किया। ठीक है, ये देखिए आप मेल के थ्रू सेंड किया मेल कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है लिंक कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आ रहा है एम्बेडेड एचटीएमएल, एम्बेड एचटीएमएल। तो ये आप अपनी विड्थ और हाइट मैं यही ले रही हूँ फिलहाल पेज की। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर दिया, इस लिंक को कॉपी किया और जो मेरा ब्लॉगर पेज था जैसे मैंने कॉन्टेक्ट अस पे किया था, और वहां जाके ये देखें ये एक आप कंपोज व्यू नजर आ रहा है। ठीक है, आपने इस पे क्लिक करना है, सॉरी आपने ये देखे, हाँ जी ये नजर आ रहा है HTML व्यू, आपको इस पे आपने क्लिक करना है HTML व्यू पे। और जो यहाँ पे है ना आपने वो लिंक जो है वो पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये लिंक पेस्ट हो गया, आप इसको पब्लिश कर दें। अब सेम हम क्या करेंगे, ये पब्लिश हो गया, आप देखेंगे हमारे ब्लॉग पे ये नजर आ रहा है। देखिए अभी हमारे यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट अस का जो हमने बनाया था वो अभी नजर नहीं आ रहा। हम दोबारा क्या करेंगे, हम लेआउट में जाएंगे। ठीक है,
और यहाँ से जो पेज एडिट की ऑप्शन है इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए कॉन्टेक्ट अस का पेज शो हो रहा है, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। ठीक है, आपने सेव किया, अब अपना जो है ब्लॉग को व्यू करें। सी देखें कॉन्टेक्ट अस, अबाउट अस का बना था, अब कॉन्टेक्ट अस पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें आपके पास ये पेज खुल गया। ठीक है, आप यहाँ नाम लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने ये यूज कर लिया नेम। मेल आईडी आप लिख सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये कॉन्टेक्ट अस के जो जो यूजर्स हैं वो हमसे कॉन्टेक्ट अस कर सकते हैं। ठीक है, वो इस तरीके से कर सकते हैं हमसे कॉन्टेक्ट। तो हमें जो इनके लिए चीजें रिक्वायर करनी होनी चाहिए, नेम, मेल हमें पता होना चाहिए, ये मैंने चीजें जो है रिक्वायर की हैं, ये लाजमी टाइप हूँ। gmail.com फॉर एग्जाम्पल ये कर दिया। ठीक है, अब फोन नंबर, ठीक है मैंने कुछ भी लिखा, और ये देखिए अब फोन नंबर आ रहा है। तो अब फोन नंबर आपने नहीं भी टाइप करोगे, मैसेज नहीं भी टाइप करोगे तो ये आपका फॉर्म सबमिट कर लेगा। पर जो मैसेजेस हैं उस पे आप रिक्वायर लाजमी रखिएगा कि वो मैसेज आपको कर सके कि उनकी आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या मैसेज है जो। फॉर एग्जाम्पल मैंने हाई लिख दिया, ठीक है, और फोन नंबर आप लिखना चाहते हैं नहीं, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये रिक्वायर्ड जिन पे मैंने ऑन रखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं वो नहीं लिखूंगी, जैसे मैंने ईमेल पे रिक्वायर्ड ऑन था, तो देखिए मैं सबमिट करूंगी तो वो कहेगा कि नहीं आपने ये रिक्वायर्ड क्वेश्चन है आपने इसको फिल करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख दिया। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको सबमिट करती हूँ तो ये देखिए सबमिट हो गया। अच्छा, सो स्टूडेंट एक और चीज कि जब आप ये सब डिजाइन करते तो ऑप्शन में आपने ना रीडर्स कमेंट्स को डू नॉट अलाउ करना है। ठीक है, फिर आपने इसको पहले मैंने इसको लिया, डू नॉट अलाउ किया एंड देन शो किया। देखिए हमने कॉन्टेक्ट अस में जो है वो क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म में एक फॉर्म फिल किया था। ठीक है, तो आपको रिस्पॉन्स भी क्वेश्चन इसके साथ ही ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए क्वेश्चंस के साथ ही ना एक टैग होता है रिस्पॉन्स का। ये देखिए रिस्पॉन्स आपको, मतलब ये आपने जो फिल किया था वो आपको मिल गया, यश, और ये नेम है और ये ईमेल है, और मैसेज आपको क्या आया, हाय का। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको वहां, यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। ठीक है, ये तरीका है अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस पेजेस का, ये जो मैंने आपको बताया। होप आई होप कि आपको जो है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी।